सबसे पहले मैं जो अवार्ड शो हो रहा है उसके लिए मैं अरीफ भाई जो है जूनियर अली कपूर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में दूसरी बार हो रहा है कि जो लुक लाइक होते हैं वो कई सारे अच्छे प्रोग्राम करते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी किसी मंच के ऊपर जो सराहा जाना चाहिए वो नहीं होता है, तो लेकिन अरीफ भाई की वजह से आज ये हो रहा है। इसके लिए मैं अरीफ भाई और जितने भी आपकी मीडिया यहाँ पर आई हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। बेस्ट लुक लाइक करके जो अवार्ड है और उसके लिए उनको ऐसा लगता है कि मैं भारत के अंदर सबसे अच्छा लुक लाइक अमिताभ बच्चन का मैं करता हूँ, ऐसा उन्हें लगता है और उसके लिए ये अवार्ड मुझे मिलने वाला है और उसके लिए मैं अरीफ भाई और जितने भी मीडिया है उनको फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ से लेकर हर चीज़ में कितनी मेहनत की? देखिए, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, किसी भी कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत ही होती है और उसके बगैर ये आसान नहीं होता है। और बच्चन साहब एक ऐसा किरदार है कि बच्चन साहब को कभी देख भी लेते तो उनकी सांसें एक आवाज़ होती है, उनकी उनकी आँखों का एक अलग नज़रिया होता है, उनके कंधे बोलते हैं, उनका आँखें बोलती है, हाथ बोलते हैं उनके, तो ये काफ़ी मैंने उनके ऊपर स्टडी किया और उसके बाद मैं भी 10 सालों से काफ़ी उनका काम करता हूँ। और बच्चन साहब की फिल्म थी गंगा मैया करके, उस फिल्म में मैंने पूरा डबिंग भी किया है और अभी अभी नागराज मंजुळे का एक नागराज मंजुळे की फिल्म चल रही झुंड उसका नाम है, और झुंड फिल्म के अंदर मेरे कुछ रोल है, नागराज मंजुळे जी ने उन्होंने मुझे बुलाया और जो लॉन्ग सीन है तो उस सीन के लिए मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया गया, तो कुछ सीन मेरे भी है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबूजी की कविता मुझे याद आ रही है और वो कविता को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रखो में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार।